स्वागत है आपका जुबैर पेंटर चैनल में। तो कभी भी आप अगर हाफ चुनाई करवाते हैं, नीचे ये प्लासा करवाया है जो नीचे और पुताई भी करवा ली और ऊपर नई चुनाई करवाएगी, उन्होंने उठवा के प्लासा करवाया था, लिंटर भी पड़वाया, तो प्लीज़ अपने मिस्त्री से पहले जांच कर लें, ये ना करें। ये अगर वो करता है तो ये किसी चीज़ में नहीं छुपेंगे, ये दिखाई पड़ेंगे और बहुत दिक्कत आती है पेंट करने में भी, और मालिक का भी रुपया ज़्यादा लगता है, मज़ा भी नहीं आता है। तो मिस्त्री से कहते हैं घोला ना लगाए, और घोला लगाया तो प्लीज़ ब्रश से लगाए। ऊपर इन्हें प्लास्टर किया है इतना, और ये पहले का किया हुआ था, और ये अब इन्हें नया कराया तो क्या रेट लगाई है पूरी दीवारों की, देखो बहुत दिक्कत इसमें आ रही है हम लोगों को। ये सब हैं और इसके जॉइंट भी आप सही से बंद करवाएं, मिस्त्री से कहें ये ऊपर नीचे हैं सब। ये देखिए आप, ये कितने ऊपर नहीं, ये भी लेवल से करवा लें, और घोला ना डलवाएँ डिब्बे से, ब्रश से करवा लें घोला, या अच्छे से तरी करवा के उसके बाद में करवाएँ। तो ध्यान रखें भाई, अगर ऊपर चुनाई आपको करवानी है, नीचे आप पहले करवा चुके हैं, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए घोले वाली। ये पुट्टी में भी नहीं छुपती है, पुट्टी ज़्यादा मोटी लगाते हैं तो पुट्टी फिर ऐंठ के छुट जाती है, तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। तो हम इस पर मार रहे हैं सफ़ेद सीमेंट, वो भी हम दिखाते हैं आपको कैसे मार रहे हैं। तो ये शकरनी की है पुट्टी और बिरला का है वाइट सीमेंट, तो हमने दोनों को मिक्स करके इसमें और एक बाल्टी में बनाया है, और अच्छे से मिक्स करके तरी करने के बाद इस पर करो आप, बहुत मज़बूत और बहुत बढ़िया होगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी, और एक कोट में ही लगेगा आपको कि डबल कोट हम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखें एक चीज़ का ज़रूर, ये दो कितना घोला उन्हें गिराया है, ये पत्ती से भी नहीं छुट रहा है और किस डिशन छुट रहा है, ये छुपेगा नहीं, ना सफ़ेद सीमेंट में छुप रहा है ये, और ज़्यादा मोटा भी सफ़ेद सीमेंट लगा देते हैं, तो ये घोट प्लास्टर करने के बाद उन्हें इतना नीचे ये गिराया है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं, मैं इसी नॉलेज की वीडियो आपको बनाता रहता हूँ, आपको देता रहता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। चलिए फ्रेंड मिलते हैं।